क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का जो है जो इन इसका पार्ट 3 देख रहा है, और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन का। अगर इस मैप को देख रहे हैं कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से किसको कहा जाता है, तो नॉर्दर्न प्लेन जो मैदानी भाग है और हिमालय के पैरेलल चलता है ईस्ट टू ये वेस्ट टू ईस्ट, जो हिमालय के पैरेलल चलता है, जैसे जिस पिक्चर्स में अगर ध्यान से दे रहे होंगे कि ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से तीन रेंज में 1, 2 और यहाँ पर देख रहे होंगे 3 दिया होगा। तो 1 में ये हो गया पंजाब प्लेन्स, फिर 2nd में हो गया गंगा प्लेन्स और 3rd में हो गया ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये तीनों जो है नॉर्दर्न प्लेन, हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर को जो समझाया गया उसको समझ रहे होंगे। तो मैप यूज इन द चैप्टर इसमें पहले लिख दिया कि ये स्केल जो है एक अंदाज से लेकर चला हुआ है। तो नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स सिस्टम, नेवली द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। कि नॉर्दर्न प्लेन जो मैदानी भाग है जो कि हिमालय के साथ साथ पैरेलल चलता है, वो 3 नदियों से बना हुआ है, द इंडस, द गंगा, ब्रह्मपुत्र। दिस प्लेन इज फॉर्म बाय अलुवियल सॉइल, और ये जो मैदानी भाग है जो कि फर्टाइल है, अलुवियल सॉइल है, इट इज एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ इंडिया। कि ये जो माने मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हिसाब से। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके जो है ये पंजाब प्लेन है। तो दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। पंजाब का जो अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम पहले ही इसको डिवाइड किए, तो ये 1 जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो मार्केटेड किया हुआ है या ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये वेस्टर्न साइड है। तो ये पंजाब है, ये वीट की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल, ये अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। इट इज़ एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत का सबसे जो उपजाऊ भूमि में माना जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो पंजाब प्लेन है, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस, इंडस नदी और उसके जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, कौन कौन सा है, 5 नदी है सहायक नदी, जो झेलम, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। दिस सेक्शन इज नॉट डोमिनेटेड बाय द दोआब, इसको डू से बना हुआ है, डू मीन्स दो या अब मीन्स वाटर, दो नदियों से ये सेक्शन बना हुआ है, तो इसकी गंगा। फिर हम लोग देखते हैं गंगा प्लेन्स, इट एक्सटेंड बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। तीस्ता रिवर जो आसाम का जो पार्ट हम लोग ऑलरेडी देखे थे, और तीसरा जैसे मैप में देखेंगे कि यहाँ से जो स्टार्ट होता है, इसमें देखेंगे कि ये जो सेकेंड पार्ट है कि जहाँ से ये यहाँ से इंडस से लेकर यहाँ तक तीस्ता का जो बीच है, यहाँ तक जो है ये गंगा प्लेन है और ये बड़ा मैदानी भाग है। तो इसी चीज़ को लिखा हुआ है कि गंगा प्लेन इट एक्सटेंड बिटवीन द घाघर टू द तीस्ता एंड इट इज स्पीड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा हो गया क्योंकि पंजाब जो आता है वो सतलज बेसिस में आता है, दिल्ली हरियाणा से स्टार्ट होता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्रा बेसिन जहाँ से तीस्ता रिवर जो अभी दिखा है उससे आगे से इट इज़ फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज एंड इट लाइ मेनली स्टेट ऑफ द आसाम। अब नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन में बांट सकते हैं हम लोग, कि नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन एंड रिलीफ फीचर्स। कि उसके वेरिएशंस, उसके जो उतार चढ़ाव, जो मैदानी भाग है, पहाड़ है, उससे अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग 4 भाग में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो भाबर हो गया, जिसे भाबर किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। अगर भाबर नहीं समझेंगे तो आप हमको इसको जो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। दिस रीजन लाइज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, जो शिवालिक जो हम लोग हिमालय का देख रहे थे जो साउथर्न पार्ट था, उसी के साथ साथ ये भाबर एरिया आता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन दिस रीजन। कि क्या होता है कि जब पहाड़ होता है, ऐसे पहाड़ है और ये नीचे से जब पानी ऐसे गिर रहा है तो अपने साथ क्या आता है, ये कंकड़ ले आता है जिसको, और इससे क्या होता है कि ये जो पानी है इस कंकड़ के ऊपर भाग से धीरे धीरे जाते हुए यहाँ से जैसे आया, अब यहाँ पर कंकड़ इस तरह से, तो पानी ऊपर से आया लेकिन इसके नीचे से ख़त्म हो जाता है, ये आद्रिस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, इसको हम लोग भंवर कहते हैं। सो क्या कहते हैं, भंवर। फिर तराई, और इट लाइड टू द साउथ ऑफ द भंवर, जैसे भंवर के नीचे भाग का, जो अब भंवर जैसे आया, जैसे ये माउंटेन्स आया और यहाँ पर ये जो भंवर हो गया उसके नीचे भाग को तराई कहते हैं। और स्ट्रीम्स एंड वाटर इमर्ज हेयर, यहाँ पर अगर जैसे कंकड़ से गायब हुआ था यहाँ पर हल्का सा उग जाता है, जैसे नेपाल में तराई का एरिया है। एंड इट इज़ वेट, भींगा होता है, स्वैम्पी होता है, कीचड़ और मार्सी रीजन होता है। भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन
एंड इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्ड अलुवियल सोयल, जो पहले से अलुवियल सोयल आया वो ओल्ड है, दे लाई एबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर्स, जहाँ पर बाढ़ आ जाता है उस जगह पर ही होता है। और इसको हम लोग जैसे दिस सोयल इज रीजन कॉन्टेन द कैलिक्रियस डिपॉजिट लोकली नोन एज द कंकड़, इसको कंकड़ कहते हैं। तो भांगर ओल्ड है और खदर जो है ये न्यूअर सॉयल है, जो कि यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ओल्ड अल्युमिनियम सॉयल है और ये न्यूअर अल्युमिनियम सॉयल है, इसको खदर कहते हैं, जो करेंट नदी से आया है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्दर्न प्लेन है। अब एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ कहा जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन का अगर एरिया देखेंगे मैप में, तो बाकी ये जैसे यहाँ मैप आगे नहीं सिद्ध हो सकता, मैप आगे में होगा, तो इसको एनसीईआरटी भी जो देखो यहाँ जो जितनी बात आपको कहे हैं वो इसको लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो जरूरी है कि यहाँ थ्री रिवर मेजर द डिपोजिशन ऑफ अल्युवियम इज अ भास्ट बेसिन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इट स्प्रीड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है कितना फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बींग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, लंबा है, और 240 से लेकर 320 जो है ब्रॉड होता है। और इसको देख कहा जाता है कि इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जितना फिजियोग्राफिक डिवीज़न हम लोग देखें हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, आइलैंड या डिजर्ट जितना देखेंगे सब में ये सबसे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है, क्योंकि ये जो है फर्टाइल लैंड है। तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया, ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया दिखा रहे हैं जहाँ खुशहाली है, और ये जो कहाँ कहाँ से आता है कि गंगा प्लेन से होता है, और दुआब के बारे में बताया जो कि हम वहाँ चर्चा कर चुके हैं, तो ऑलरेडी इसकी हम जो चर्चा वहाँ पर कर चुके हैं वो वहाँ पर दिखा रहा होगा कि इसको क्या क्या नाम कहा जाता है। अब हम लोग इसको जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। थैंक यू।